विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। उसकी पावन धरा पर मंच और सामने बैठे हुए एक दूसरे की शोभा और सम्मान बढ़ा रहे भाइयों और बहन, आज का ये कार्यक्रम केवल भारत के नागरिकों का नहीं है, यह मानव जाति का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में ईसाई भी हैं, मुस्लिम भी हैं, आन भी हैं, बान भी हैं, यहूदी भी, पारसी भी हैं। भारत के वर पंथों में बौद्ध, महायान होंगे या थोरवाद होंगे, जैन, सिख, शाक्त, शैव, वैष्णव होंगे, निराकार उपासक होंगे, साकार उपासक होंगे, ग्रंथों को मानने वाले होंगे। कोई ऐसा मत पंथ नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है, और इसलिए आप कुछ जय घोष लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। बोल प्रभु श्री रामचंद्र की जय, बोल सियावर रामचंद्र की जय। मैं कहूंगा जय भारत, आप कहेंगे जय जगत। जय भारत, जय जगत बोलना है, नहीं तो जिन्होंने विश्व गुरु का उच्चारण दिया आपने तालियां बजाए वो भटक जाएगा। जय भारत, जय भारत, ये सत्य इसलिए भारत की धरा, उसकी खुशबू, खूबसूरती, उसका आभा मंडल कई बातों से जाना जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बाकी दुनिया के किसी देश के लिए ये गाना नहीं। राम जनतन में, जनतन राम से, इसलिए जिसको दुनिया ने अपनी अपनी भाषाओं में, बोलियों में, मत पंथों में गॉड कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, रब कहा, वाहेगुरु कहा, परवरदिगार कहा, ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा कहा, भगवान कहा, उसी को संसार राम भी कहता है, कृष्ण भी जानता है। संसार में जितने भी प्रकार के शब्द हैं भगवान के लिए, और उनका एक कॉमन शब्द है ऊपर वाला, और इसलिए राम सृष्टि के अंदर ऊपर वाला माने जाते थे, हैं और जाने जाते रहेंगे। आज यहां यह जल इस बात को प्रतिष्ठित करता है, भारत की माटी की विशेषता है, दुनिया के सब धर्मों और उपधर्मों को स्वीकार भी करती है और सम्मान भी करती है। ऐसी दुनिया में ना सभ्यता है, ना समाज है, ना माटी है, ना परंपरा है। इसलिए अगर विश्व को युद्ध से मुक्त होना है तो उसका मार्ग भारत से ही निकलेगा। अगर समाज को धर्मों के दंगों से मुक्त होना है तो भी इस अयोध्या की माटी से ही निकले। राम किसी की आइडेंटिटी के शोषक नहीं है, वो सबकी आइडेंटिटी के रक्षक और पोषक है। इसलिए
यहाँ अज्ञान है, अंधकार है। आज का ये कार्यक्रम उस अज्ञान और अंधकार की पूर्ति तो उसको दूर करेंगे, इस संकल्प के लिए ये कार्यक्रम। अगर हम चाहते हैं कि समाज के अंदर सुख आए, तो प्रभु राम से प्रश्न किया था, उसी के साथ बात को पूरा करूंगा। कि आपने रावण का उद्धार करना था, तो उसके लिए अल्लाह उद्धार की जरूरत क्या है? राम से प्रश्न किया गया था, आपने रावण को मुक्त करना था, उसके लिए शबरी के फल खाने की जरूरत क्या? क्योंकि वो तो युद्ध का काम था, आप युद्ध करते और कर सकते थे। प्रभु ने कहा था, जहां नारी का सम्मान है वहां मानव मानवता से युक्त होकर देवता फरिश्ता होता है, जहां नारी का सम्मान नहीं है वहां मानव मानवता से गिरकर शैतान और राक्षस हो जाता है। इसलिए अहिल्या उद्धार जरूरी था, क्योंकि मानव जिस फैक्ट्री में प्रिपेयर होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसको संसार नारी की कोख कहता है। प्रभु ने स्वयं संकल्प किया और निर्णय लिया कि अगर मुझे भी संसार में आना होगा तो मैं उस नारी की कोख से आऊंगा, क्योंकि वह जगत जननी माँ कहलाती है। और इसलिए राम के प्रति समाज को एक विश्वास हो जाए, यह नारी के सम्मान का शासन होगा, ना कि नारी के शोषण का होगा, रावण वध सरल हो जाए। शबरी के फल खाकर उन्होंने संकेत देना था, इसलिए छोटे भैया शेषनाग रूप को कहा, फल फेंक दो, उन्होंने फल खाए। तुरंत पूरी सृष्टि के अंदर एक नए विधान की रचना हो गई, और वह ये था कि जो छुआछूत को अपराध अधर्म और पाप मानेगा वह भगवान होगा, वह महान होगा। जो छुआछूत को धर्म अपराध नहीं मानेगा, उसको धर्म मानेगा, अधर्म नहीं मानेगा, तो वह सामान्य देवता या मानव बनकर रह जाएगा। इसलिए मंत्र बना श्री राम जय जय राम, और मंत्र नहीं बना श्री लक्ष्मण जय जय लक्ष्मण। दो मिले तो संसार में सबने एक दूसरे को कहा राम राम भाई, राम राम बहन। किसी ने आज तक नहीं कहा लक्ष्मण लक्ष्मण चाचा जी, आया जी लक्ष्मण लक्ष्मण। इसलिए उनको संदेश देना था, गुड गवर्नेंस होती है जहां पर दुखी पीड़ित कमजोर असहाय निर्बल दिव्यांग अनुसूचित कुछ भी होगा, इनसे मुक्त होकर सबका सम्मान होगा, सबको सहयोग होगा, सब में समरसता और सद्भाव होगा। और इसलिए अयोध्या से जो राज उभरेगा वह गुड गवर्नेंस का, समता और समानता का होगा। और ये संदेश देने के बाद रावण को समाप्त करना सरल हो गया। इसलिए आज हम यहाँ आए हैं, तो विश्व को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि हम भारत अयोध्या, यहाँ की हवाएं, यहाँ की किरणें, यहाँ का वातावरण, यहाँ की सुगंध इस बात को स्थापित करेगी कि दुनिया युद्ध मुक्त हो, दुनिया युद्ध की ओर नहीं। वह इस बात का संदेश देंगी इस कार्यक्रम के द्वारा कि सारी विश्व की मानव जाति हम एक थे, एक हैं, एक होकर ही जिएंगे। और इसलिए हम भाई बहन थे, भाई बहन हैं, और भाई बहन कर होकर ही जिएंगे। इसी के साथ साथ देश और दुनिया के अंदर धर्म के नाम पर कन्वर्शन ना और कंफ्लिक्ट झगड़े ना, बल्कि सब धर्मों का सम्मान हो। इसलिए मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, इसका संदेश देने के लिए आज का कार्यक्रम। इसी प्रकार से
अनटचेबिलिटी फ्री, मेरे आपका शरीर मन बुद्धि आत्मा इस पाप से कैंसर से मुक्त हो, इसलिए आज का जलाभिषेक। इसी के साथ साथ प्रदूषण मुक्त हो, पर्यावरण युक्त हो, और जो अंत में खड़ा उसका तिरस्कार नहीं हो, उससे प्यार और सम्मान हो। और इसलिए अयोध्या जिसने राम दिया, राम को धारण किया, जिसने रामायण दी और रामायण का संदेश दिया, जिसने वो राज दिया, इसलिए राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, राम राज्य आदर्श राज्य है। इसलिए आने वाला कल इस बात की प्रतीक्षा करता है और इस रूप में करता है कि जो सनातन है, जो भारतीयता, जो हिंदुत्व है, जो इंडियननेस है, जो आर्यत्व है, यही मंगल का और कल्याण का रास्ता है, जो सबको स्वीकार भी करता है और सबका सम्मान भी करता है। आज के इस पावन कार्य के अंदर हम एक संकल्प करें कि इन सब बुराइयों से स्वयं को भी मुक्त करेंगे, भारत को भी मुक्त करेंगे, दुनिया को भी मार्ग दिखाएंगे। और ऐसे सुंदर कार्यक्रम का यही संदेश घर घर जाएगा, जन जन जाएगा। इसलिए राम जन जन में है, हर जन जन राममयी है। ऐसा जन बता दो जो राम मुक्त हो, ऐसा तन बता दो जो राम युक्त ना हो। इसलिए इस सत्य को विश्व एहसास कर सके और हम अनुभव करके इस सत्य को जिएंगे, इस कार्यक्रम की सफलता यह सुनिश्चित थी, है और होगी। इस विश्वास के साथ एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विजय चौधरी और उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई। और इस सभागार में इस अद्वितीय कार्यक्रम के हम और दृष्टा बने हैं, इस बात का एहसास लेकर आने वाले कल को हम निर्देशित भी करेंगे, संचालित भी करेंगे और उस पावन दिन को देखने भी आएंगे, जब जो गया जन और जमीन है वह पुनः अपना होगा। इस विश्वास के साथ भारत माता की, बोल श्री रामचंद्र की, बोल सियावर रामचंद्र की, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।